लोग तो यहाँ तक कहते हैं बाराजी भाई साहब कि महत्वाकांक्षा तो यहाँ तक है कि गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद में छोटे भाई साहब आगे आ गए। हम मैं तो बोलने ही नहीं दे रहे हो, और इसी कला को लेकर लोग बार बोलते हैं कि छोटे भाई साहब बड़े भाई साहब बनने की ओर अग्रसर है। इस बात में कितनी सच्चाई। मैंने तो मनोहर चौधरी से आपका विवाद था, छोकालाल भोई से आपका विवाद था, तमाम एक दूसरे के खिलाफ आरोप थे, प्रत्यारोप थे, बयान थे। आरोप ये भी लगे कि रविंद्र शिमाली के कहने पर तमाम पार्षदों ने आपसे झगड़ा किया, क्या ये सत्य है? दावेदारों की बात हो रही है, दावेदारी के कार्यक्रम की बात हो रही है। सबसे पहले हम पारस जी से बात करेंगे। पारस जी, वैसे आपका बहुत स्वागत है। सतीश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सुनील जी, स्वागत आपके इस चैनल का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पहला सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको क्यों मिले? नहीं क्षति जी, सबसे पहले तो आपकी बात को मैं एक बार रोकने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। अभी जैसे सुनील जी ने कहा कि दावेदार, मैं तो दावेदार हूँ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक मैंने तो कोई अप्लाई की नहीं है, ना दावेदारी प्रस्तुत की है। अगर उदयपुर की जनता चाहती है और मेरी पार्टी मुझे दायित्व देती है तो उसका मैं निर्वहन करूँगा। पहले भी निर्वहन करता आया हूँ और अभी भी वर्तमान में दायित्व देगी तो निर्वहन करूँगा। मैं ये चीज़ मना नहीं करता कि अगर पार्टी मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो मैं मना करूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन दावेदारी प्रस्तुत करके लोगों का हजूम ले जाकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना, ये मेरे फितरत में भी नहीं है और मेरा स्वभाव भी नहीं है और मेरे संगठन के अंदर भी ऐसा शायद मेरे ख्याल से है नहीं। लेकिन हाँ, आपने जैसा कहा कि उदयपुर में प्रत्याशी क्यों, इस बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। हम समाज सेवा के साथ साथ, उदयपुर की सेवा के साथ साथ काम करने का प्रयास करते हैं। मेरी पार्टी ने पहली बार 1994 के अंदर मुझे पार्षद का टिकट दिया, 1994 से 99 तक, उसके बाद दूसरी बार, उसके बाद तीसरी बार और अभी वर्तमान में चौथी बार टिकट देकर उपमहापौर बनाया। अब जैसा आपने कहा कि उदयपुर की जनता जानती है, पहले वार्ड 50 हुआ करते थे, फिर 55 हुए, फिर 70 हुए, और वार्ड के बढ़ने के साथ साथ हमारा सीमांकन जो बढ़ना चाहिए था वो तो नहीं बढ़ा, पॉपुलेशन जो बढ़नी चाहिए थी वो भी थोड़ी बहुत बढ़ी। लेकिन हम ये चाहते थे कि 70 वार्ड बनने के पश्चात उदयपुर का जो एक परिसीमन के क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए, वह उस परिसीमन के अंदर नहीं आने की वजह से आज भी UIT का क्षेत्र हमारे इस नगर निगम के अंदर आता है। और हम बार बार अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं, सरकार को भी निवेदन करते हैं, सरकार का मतलब सरकार, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हमने एक बार नहीं चार चार बार पत्र के माध्यम से ये कहा कि जब कॉलोनी डेवलप हो जाती है उसके पश्चात उस कॉलोनी को आप हैंडओवर म्युनिसिपैलिटी को करो। अब आज ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास की दृष्टि से काम होना चाहिए वहाँ पर हम मजबूरी से नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ पर प्लॉट बेचने की बात आती है तो UIT बेचती है, और विकास की दृष्टि से लोग आशा और अपेक्षा रखते हैं तो हमारे से मतलब नगर निगम से रखते हैं। मैं दावेदारी के निमित्त यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरी पार्टी मुझे दायित्व देगी तो मैं आज भी काम के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। इस उदयपुर के विकास के लिए हमने पहले भी बहुत कुछ किया है और अभी भी वर्तमान में बहुत काम करने के लिए हैं। अगर सच्ची निष्ठा और लगन के साथ काम करेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि यह शहर हमारे बाप दादाओं ने बहुत खूबसूरत दिया, किसके एहसान से या किसके बनाने से नहीं बना, ये हमारे पूर्वजों ने इस शहर को इतना सुंदर बनाया जिसकी वजह से आज हम खुली हवा के अंदर और इतनी खूबसूरती जिंदगी के अंदर जीना जी रहे हैं। मुझे लगता है बात आप ठीक कर रहे हैं, टिकट दावेदार नहीं क्योंकि हकदार गए तो ठीक रहेगा। नहीं, मैंने कहा ना, मैं हकदार की बात ही नहीं करता। जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं 50 जने, 500 जने, 5000 लोगों के साथ प्रदर्शन करूं, इससे टिकट नहीं मिलता है। टिकट तो जनता चाहेगी ना, जनता के दिलों में, पब्लिक के दिलों में राज करना पड़ता है, लोगों के दुख सुख में भागीदारी करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक उन लोगों का काम करना पड़ता है, तब जाके कहाँ पर लोगों के दिल में ये अरमान आता है कि हमारा प्रत्याशी कौन हो, और उसके आधार पर पार्टी को टिकट देंगी, भले मेरी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, और देना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है, और मेरी पार्टी उसी दिशा में कदम करेगी। इतने वर्षों तक हमारे आदर्श राजनीति के शिखर पुरुष गुलाब चंद जी साहब कटारिया थे, हम छोटे कार्यकर्ताओं के मन में भी कभी नहीं आया कि हम चुनाव लड़े, क्योंकि जब तक भाई साहब थे तब तक हमारे दिल में नहीं आया कि हम कोई दावेदारी प्रस्तुत करेंगे या हम कोई हमारी भावना प्रस्तुत करेंगे। लेकिन भाई साहब को हमारी पार्टी ने, संगठन ने राज्यपाल बना दिया तो उसके पश्चात आज हर इंसान के मन में, और जो व्यक्ति राजनीति में काम करता है वो महत्वाकांक्षा रखता है। कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझ तो संत महात्मा हूँ, तो संत महात्मा है तो मंदिर के अंदर पूजा कर मेरे भाई,
अगर राजनीति में काम करता है तो महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति रखता है, उसमें से एक मैं भी हूँ, महत्वाकांक्षा रखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, संगठन ने दायित्व दिया था उसका निर्वहन करूँगा और पूरी तरह से सच्चे मन से सेवा करने का प्रयास करूँगा। आप कह रहे हैं कि जिनके दिलों में आप राज करते हैं वो जिनके दिलों पर आप राज करते हैं वही चाहते हैं कि पारसजी सिंह भी चुनाव लड़े। चौराहे से लेकर देश की दोनों पार्टियों तक ये चर्चा है कि उदयपुर में किसका नंबर, रविंद्र या पारस। सतीश जी मैंने क्या कहा, 1994 में पार्षद बने, उसके पहले भी संगठन में काम करते थे, हमारी म्युनिसिपैलिटी नहीं हुआ करती थी, नगर निगम के चुनाव 25 वर्षों तक नहीं हुए, उसके पहले भी जो भी कोई काम बन पड़ सकता था उस समय भी हम नगर निगम हो या चाहे यूआईटी हो या चाहे रसद विभाग हो चाहे कौन सा भी विभाग हो, हम काम करने का प्रयास करते थे। उस समय छोटे थे लेकिन उस समय भी करने का प्रयास करते थे और काम करते हैं तो लोगों का दिल तो निश्चित रूप से मन में आता ही है कि आखिर दावेदार कौन। अब दावेदार कौन की परिभाषा ये मैंने कहा ना, गुलाब जी भाई साहब के जाने के पश्चात ये हर कार्यकर्ता के मन में भावना होती है और हो रही है, खुशी की बात है। पार्टी संगठन टिकट देगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी की सेवा करेंगे। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। नहीं, लोग तो यहाँ तक कहते हैं पारस जी भाई साहब कि महत्वाकांक्षा तो यहाँ तक है कि गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद में छोटे भाई साहब आगे आ गए, यहाँ तक भी लोगों का जो आएगा वो भाई साहब ही बनेगा। हाँ, तो वो भाई साहब की गद्दी पे आना चाहते हैं, वही आना चाहते हैं। ये बात सत्य है, भाई साहब जिसको टिकट दिलवाएंगे, संगठन जिसको टिकट देगा और जो कोई भी व्यक्ति आएगा वो भाई साहब बनेगा, ये बात सत्य है। लेकिन मैं एक बात बीच में काट कर कहना चाहता हूँ, गुलाब चंद कटारिया को गुलाब जी भाई साहब बनाने में इस उदयपुर की जनता का बहुत बड़ा योगदान था। जब चुनाव लड़े गुलाब जी तब वो गुलाब जी थे, गुलाब चंद कटारिया थे, और आज हर व्यक्ति चाहे कांग्रेस का हो चाहे पार्टी का हो, हर व्यक्ति गुलाब जी भाई साहब क्यों कहता है। गुलाब जी भाई साहब इसलिए कहता है कि उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। भाई साहब अब थोड़ा राजनीति से जुड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक 8 महीने पहले चुनाव से गुलाब जी को यहाँ से असम भेजा गया, उसके बाद सर्वाधिक चर्चा ये कि भाई उदयपुर से किसको लड़ाया जाएगा। आज आप चौराहे से लेकर ओवर ब्रिज के किसी भी जगह पर जाकर खड़े होंगे तो कांग्रेस में दो नामों की चर्चा हो रही है तो बीजेपी में भी दो नाम कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन नामों के बीच यदि आपको मौका मिलता है 5 प्राथमिकता क्या होगी, कैसे काम करेंगे, आपका विजन क्या है? देखो सतीश जी, मैंने कहा ना आपको, काम करने के लिए इस उदयपुर शहर के अंदर बहुत कुछ है, बहुत। जैसे क्या क्या 5 काम बताएं। मैं बताऊं, आज हमारी नगर निगम के अंदर कोई कहता है नगर निगम में क्या किया, आज 50 करोड़ से अधिक राशि लगाकर इस आयर का कायाकल्प हो रहा है, किसने करवाया। आज उदयपुर स्मार्ट सिटी का चयन हुआ, किसने करवाया। आज नई आयर की पुलिया बनी, किसने बनाई। आज नया मेवाड़ दर्शन दीर्घ बना, किसने बनवाया। आज स्मार्ट रोड हिरणमंगरी की सेक्टर 34 करोड़ रुपए की बनी, किसने बनाई। 17 करोड़ जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात को। 17 करोड़ रुपए की रोड आज गोवर्धन विलास पे बनी, किसने बनाई। रोड बनेगी तो सड़कें गड्ढे होंगे तो उसकी रिपेयरिंग होगी, उसकी नई रोड का निर्माण होगा। काम किसने करवाया इसकी चिंता करो। आप कहते हो गुलाब जी ने क्या करवाया, अरे गुलाब जी ने क्या नहीं करवाया। मेरा प्रश्न उल्टा है, क्या नहीं करवाया है उदयपुर शहर को ख्याति प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने क्या नहीं करवाया। आज 80 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है, 10 एजेंसियां काम कर रही है आयर के अंदर, किसने करवाया। टाइम लगता है, ये बात सत्य है, कुछ ढिलाई है। अब वो अधिकारियों की ढिलाई है, राजनीतिक दृष्टि से तो टेंडर लगवा सकता है व्यक्ति, क्या कर सकता है। स्मार्ट सिटी का चयन मैं आपको बताता हूं, आज कितने रुपए का स्मार्ट सिटी का काम हुआ, 450 करोड़। स्मार्ट सिटी का चयन ऐसे हो गया क्या, हिंदुस्तान के अंदर सबसे छोटी नगर निगम, सबसे छोटा शहर उदयपुर, 5 लाख से कम आबादी का शहर इस हिंदुस्तान के अंदर उदयपुर शहर था जिसका स्मार्ट सिटी के अंदर चयन हुआ, और किसकी वजह से हुआ। मेरे विपक्षी भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक व्यक्ति ने स्मार्ट सिटी के चयन में योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 100 कैंप लगाए, कितने 100 कैंप लगाए, और 100 कैंप में पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदरणीय कटारिया जी और संगठन ने खेप दिया और सबने मेहनत की, उसका परिणाम यह हुआ कि स्मार्ट सिटी का चयन हुआ। और आज स्मार्ट सिटी का चयन हुआ, शहर की गलियों में जाओ, ये बात सही है सुनील जी, आप सही कह रहे हो कि है कुछ कमियां आज भी और उसकी पूर्ति। आपकी उपलब्धि आपके नाम मान लेते हैं, शहर की जनता स्मार्ट सिटी के कामकाज से बहुत परेशान है,
जो काम 6 महीने में होने थे वो 1.5 साल में हुए, जो काम 1.5 साल में होने थे वो 3 साल में हुए। मैं सत्य है ना, कोविड हो गया, आपदा है ना, 2 साल का कोविड का कालखंड, अब उसमें क्या करेगा जो हमारे टेक्निकल लोग थे, जिसे सीवरेज का काम, जैसे सीवरेज का काम टेक्निकल टीम थी, शुरू शुरू के अंदर जो टीम काम का प्रारंभ हुआ, मैं वार्ड नंबर 34 का पार्षद था, शुरुआत हुई सर्वऋतु विलास से, आज वहां पर जाकर देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्यों? वहां पर टेक्निकल टीम थी, दिल्ली से जो आए थे सीवरेज का काम करने के लिए वो टेक्निकल लोग थे, इंजीनियर टेक्निकल थे, सीवरेज के काम के टेक्निकल लोगों ने इस उदयपुर की शुरुआत की, लेकिन कोविड के बाद वो लोग चले गए। अब दुर्भाग्यवश वह टेक्निकल लोग वापस उदयपुर शहर के अंदर आए नहीं। अब वो काम कौन कर रहे हैं? जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग कर रहे हैं, वो पूर्ति खाना पूर्ति हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, आपके चैनल के माध्यम से मानने में कोई गलती को गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं रही, उसका परिणाम ये हुआ कि काम में बाधाएं आई। लेकिन अभी भी वर्तमान में आप किरो स्मार्ट सिटी के लोगों से काम से परेशान है, ऐसा नहीं है। 24/7 पानी आएगा, लाइट के थम्बे सब हट जाएंगे, लेकिन RSAB और स्मार्ट सिटी के बीच में सामंजस्य तो है, लेकिन RSAB को काम करना है, वह पूरी तरह से इंटरेस्ट लेना चाहिए था तो ले नहीं रहे, उसकी वजह से आज सारे थम्बे बीच में के जो शहर के मध्य भाग थे, 17 वार्डों के अंदर, 17.5 वार्डों के अंदर काम हुआ, उसकी वजह से वो थम्बे नहीं उठे। नाली हट गई, मच्छर सारे समाप्त होने चाहिए थे, लेकिन आज भी मच्छर है। क्यों? क्योंकि जो कनेक्टिविटी थी सीवरेज की वार्डों से वह पूरी तरह से अभी तक हुई नहीं है, कुछ कुछ जगह बाकी है। एक जगह कनेक्टिविटी नहीं होगी उसकी वजह से वह नाली भरी हुई रहेगी और वह गंदगी होने की वजह से वह मच्छर होंगे, ये कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, सतीश जी 6 महीने 1 साल और इंतजार करो, उदयपुर की गलियाँ देखने के लिए लोग आएंगे। जैसे वाराणसी की गलियां देखने के लिए लोग जा रहे हैं, वैसे ही उदयपुर शहर की गलियां देखने के लिए लोग आएंगे। आज भी ऐसी गलियां हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ कमियां हैं। सिलावटवाड़ी जाओ, कभी कल्पना कर सकते थे सिलावटवाड़ी के अंदर के सफाई हो सकती है? सिलावटवाड़ी साला ऐसा लगता है कि हाँ कितनी बढ़िया खूबसूरत लोग हो गए और वहाँ के लोग भी अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कुछ कमी है। जनता से भी मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हो, कि लोग सहयोग करें। रात्रि को डोर टू डोर के ऑटो चलते हैं, आज के 10 साल पहले ऑटो चलते थे क्या? देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पर ध्यान दिया और उसका परिणाम ये हुआ पूरे देश के अंदर डोर टू डोर के ऑटो चल रहे हैं। लेकिन हाँ लोग क्या करते हैं, सवेरे जब ऑटो आता है तब अपना कचरा अपने घर का उस ऑटो में नहीं डालते और उसका परिणाम ये होता है शाम को वो घर के बाहर फेंक देते हैं, फिर वो एक डालता है, दो डालता है और फिर लोग डालने लग जाते हैं वो कचरा स्पॉट पर। यकीनन सफाई पे बेहतर काम हुआ। थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, आयड़ नदी बन रही थी, लगातार वहाँ के जो निर्माण कार्य थे वो पानी के साथ बह रहे थे, कांग्रेसियों ने खूब बवाल करा, काफ़ी ट्रेंड हुए वीडियो। क्या आयड़ का विकास कुछ इस तरह से होगा? क्या आयड़ को आप वेनिस की जो नदी बना? मैं आपको कह रहा हूँ ना, 6 महीने इंतजार करो, बारिश आएगी तो कितना भी बढ़िया रोड बनाएंगे तो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत तो बहेगा। अभी बीच में एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बीच में बारिश आई, ठेकेदार काम प्रारंभ करता है और बारिश आ जाती है। सुनील जी ने बोला ना गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे होंगे मेरे भाई, उसको ही तो भी अच्छा करेंगे ना, काम करेंगे तो कमियां होगी और कमियां होगी तभी तो आप हमसे उम्मीद और अपेक्षा करोगे काम करने की। काम ही अगर मान लो गड्ढे होंगे ही नहीं तो वर्षों तक फिर क्या होगा? फिर तो पेरिस बन जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं पेरिस बनाने का। आप गुजरात जाओ, आप उस नदी को देखो, आज वहां पर लोग घूमने का, जो कचरे का स्पॉट था वह आज साबरमती का इतना बढ़िया, ये ऐसी तर्ज पर यह आयड़ बनने वाली है। कुछ कमियां हैं मैं तो मान रहा हूं ना, कुछ कमियां हैं उसको दूर करेंगे, निश्चित रूप से दूर करेंगे। लोगों का कहना है कि इसी कला को, हमें तो ऐसा लग रहा है भाई साहब कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आप हमें तो बोलने ही नहीं दे रहे हो, और इसी कला को लेकर लोग बाहर बोलते हैं कि छोटे भाई साहब बड़े भाई साहब बनने की ओर अग्रसर है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने क्या कहा? मतलब वो जो हमारे उदयपुर शहर का विधायक बनेगा वह भाई साहब बनेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। जो बनेगा संगठन जिसको टिकट देगा, और यह बात भी तय है बिल्कुल कि डंके की चोट कह रहा हूं मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी इस उदयपुर शहर से चुनाव जीतेगी, कमल खिलेगा, विधायक बनेगा और निश्चित रूप से विकास का क्रम जो पहले था वो जारी रहेगा। चुनाव जीतने से याद आया, गुलाब जी है नहीं, कांग्रेस के 2 बड़े नेता यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, एक आप ही के समाज से, आप ही के समाज के मित्र
दिनेश खोडनिया साहब तैयारी कर रहे हैं, गौरव वल्लभ जी 3 महीने पहले अपने फ्लैट पर आ चुके हैं, यहीं पे चाय बन रही है, यहीं कॉफियाँ बन रही है, तैयारी पूरी है, कैसे लड़ेंगे आप? सतीश जी मेरा कहना है, मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से कहा और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, चाहे कांग्रेस हो या चाहे भाजपा, इस उदयपुर का जाया व्यक्ति होना चाहिए, स्थानीय, इस उदयपुर में काम किया वो व्यक्ति होना चाहिए, जिसका इस मिट्टी से जुड़ा वो व्यक्ति होना चाहिए। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, अब इसमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपने नाम लिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। भाई बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जिसने यहां पर इस मिट्टी के अंदर काम किया, जिसने राव जी का आटा, भटानी चोटा, पिपलेश्वर महादेव, नाना गली से सब देखी, व्यक्ति वो होना चाहिए, वो विकास करवा सकता है। उसको परिचय नहीं कराना पड़े कि किस गली में जाना है, चौराहे पे खड़ा कर दो कि भाई उदयपुर जानो, तो पूछे का भाई उदयपुर कटे असो विधायक बनना चाहे नहीं, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बाहर का व्यक्ति इस उदयपुर शहर को स्वीकार नहीं। अब बाहर में कल किसी चैनल सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, अरे गुलाब जी भाई साहब बाहर से आए, अरे गुलाब जी भाई साहब देलवाड़ा से आए, गुलाब जी भाई साहब ने अध्ययन यहाँ किया, गुलाब जी भाई साहब ने टीचिंग यहाँ की, गुलाब जी भाई साहब का बचपन यहाँ पर बीता, अब वो बाहर के कैसे हुए? सोशल मीडिया में कुछ भी कह दो, अब उसका क्या हो सकता है? कोई ना कोई व्यक्ति तो गांव से आएगा ना, अब गांव से आकर, हाँ दिल्ली से आकर, छत्तीसगढ़ से आकर, और कहाँ से आकर उदयपुर चुनना, क्यों भाई उदयपुर क्या सस्ता है क्या? उदयपुर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति यहाँ का हो, यहाँ का जाया हो, यहाँ पर जिसने काम किया हो, सुख दुख में भागीदारी का निर्माण किया हो, वह व्यक्ति उम्मीदवार बने और निश्चित रूप से वह व्यक्ति पारदर्शिता के साथ में अपने काम के माध्यम से चुनाव लड़े। हार जीतना भाग्य की बात है, जिसको जनता वोट देगी वो विधायक बनेगा। डूंगरपुर के एक नेताजी हैं के गुप्ता, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोग हैं, आप ही के पार्टी के नेता हैं, पैसा आप बोलते ही उनका विरोध, ताकि हमारा भी कार्यक्रम थोड़ा अच्छा हिट होता रहे थोड़ा सा। जो सतीश जी सुनील जी, मैंने आपको कह दिया ना, उदयपुर का जाया हो, उदयपुर में जिसने काम किया हो, उदयपुर की रग रग को जानता हो, वह व्यक्ति चुनाव लड़े। अब वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब मैं किसका नाम क्यों लूं, ये बात सत्य है, आपने जिनका नाम लिया उन्होंने डूंगरपुर में काम किया, काम करना भी चाहिए, जो बात सत्य है। कांग्रेसी को कहनी चाहिए थी खुलकर, वो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका काम आसान कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं आसान नहीं कर रहा हूँ, काम किया ना, डूंगरपुर की पहचान बनी, मैं मना नहीं कर सकता इस चीज को, डूंगरपुर में उन्होंने काम किया, लेकिन डूंगरपुर और उदयपुर में फर्क है। तो वो यही तो कह रहे हैं, गुलाबबाग जीतना है मेरे भाई पारस जी, वो यही तो कह रहे हैं कि डूंगरपुर में मैंने कर दिया, उदयपुर में भी मौका दे दो। हाँ तो मौका तो पार्टी देगी ना, मैं तो नहीं दूंगा ना, यहाँ पर आके संगठन में पहले काम करें, 5 साल के लिए अपनी सेवाएं दें, कार्यकर्ताओं का दिल जीते और उसके बाद टिकट मांगे, एक बार पार्षद बने, एक बार जनप्रतिनिधि उदयपुर के बने, थोड़ा बहुत काम करें। आते ही आकर कहो कि मेरे को विधायक का टिकट दे दो, तो जिन्होंने यहाँ पर काम किया है उनका क्या होगा? इसलिए मेरा कहना है, कांग्रेस हो या बीजेपी, जिसने यहाँ पर काम किया और करे काम, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी, आपने जिनका नाम लिया कि वो हमारे समाज के, करे ना काम 5 साल तक, सरकार नहीं हो तब करे, तब पता लगेगा काम कराना कैसे होता है। सरकार के माध्यम से काम कराना, मुख्यमंत्री जी को फोन करके कहोगे इसको पास कर दो, इससे वोट नहीं मिलेंगे, लोग जानते हैं। समाज तो कह रहा है साथ देगा, समाज कह रहा है साथ देगा। हाँ तो समाज तो देना चाहिए, सबका साथ देगा, वो जिस समाज से आते नहीं उसी समाज से आता हूं, समाज तो सबका साथ देगा, समाज सबका साथ देगा, लेकिन समाज को ये पता है कि मेरे तकलीफ हुई तो रात के 24 घंटे में से 12 घंटा ये भारत खड़ा रहा, वो नहीं खड़े रहे बाहर से आकर, इसलिए समाज का व्यक्ति साथ देगा, वो किसका देगा ये जनता के ऊपर छोड़ दो। कुल मिलाकर इशारों में बात साफ है, जो कांग्रेसी शायद खुलकर ना करें, मौका स्थानीय को मिलना चाहिए। चलिए इससे अलग हम आ जाते हैं, ठीक 4-5 महीने पहले चलते हैं अपन, नगर निगम में कुछ पार्षद हैं बवाल हुए आपके साथ, ऐसी चर्चा हुई थी, आपने लोगों ने कहा कि साहब रई का पहाड़ कर दिया, कुछ पार्षदों से आपके विवाद हुए, क्या वाकई में विवाद थे या वाकई में रई का पहाड़ था? सतीश जी वो विवाद कहाँ है? अब तो गिरा समिति को लेकर विवाद था, दो पार्षदों से विवाद था, विवाद था ही नहीं, परिवार की बातें, परिवार में बैठकर सुलह कर लिया, छोटी मोटी बातें चलती रहती है, हर परिवार में होता है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में होता है, पहली बार तो हुआ नहीं है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, परिवार में सुलह हो गया, विषय समाप्त हो गया। आज पिछले 4 महीनों से आपने कोई समाचार पत्रों में विवाद देखा क्या?
चार महीनों से नहीं देखा, चार पांच महीनों से नहीं देखा ना। अब वो देखो क्या होता है, राजनीति में काम करते हैं तो अलग अलग व्यू से अलग अलग व्यक्ति काम करता है। अब किसके मन में क्या आया होगा, किसके मन में चुनाव लड़ने की भावना आएगी, किसके किसने लड़ाने वाले व्यक्ति ने उनको चढ़ाया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पारिवारिक दृष्टि से हमने हर बात का समाधान करने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद 44 पार्षद एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे, ये हमारा संकल्प है। चार महीने पहले लोग कह रहे थे कि पारस जी को MLA बनना है, सारे पार्षदों से सॉर्ट आउट हो गया है, अब सब समझा दिया, सब ठीक ठीक है। अरे मैं यूं कह रहा हूं, बताओ तो सही क्या किया ऐसा। मैंने तो मनोहर चौधरी से आपका विवाद था, छोकालाल भोई से आपका विवाद था, तमाम एक दूसरे के खिलाफ आरोप थे, प्रत्यारोप थे, बयान थे। सतीश जी भाई साहब, छोकालाल जी भाई साहब मेरे बड़े भाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। हाँ, ये बात सत्य है कि परिवार में एक बाप के चार बेटे होते हैं तो बेटों में भी कुछ ना कुछ बात परिवार में भाइयों के होती है। छोटी मोटी बात कभी टॉकिंग हो गई होगी, उस बात को बैठकर सुलह कर लिया, समाप्त कर दिया। हमारे संगठन के प्रमुख ने बिठाया और कहा भाई क्या बात है कि कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी बात समाप्त हो गई और आज हम सब परिवार के नाते एक है। आरोप ये भी लगे कि रविंद्र शिमाले के कहने पर तमाम पार्षदों ने आपसे झगड़ा किया, क्या ये सत्य है? ये सब छोटी बात है। रविंद्र जी शिमाली हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष है, पहले भी उनके लिए कहा गया कि पारस को सूची में नाम नहीं भेजा। मैंने चैनल के माध्यम से पहले भी कहा, पूर्णतः झूठ। एक जिलाध्यक्ष का दायित्व तो होता है, उनका उन्होंने निर्वहन किया, ये मैंने आज नहीं कह रहा हूं, मैंने पूर्व में भी चैनल के माध्यम से कहा, समाचार पत्रों के माध्यम से कहा। जब व्यक्ति दावेदारी करता, उन्होंने खुलकर कहा, पार्टी की मीटिंग में कहा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे वह मुझे नाम दो, संगठन के निर्देशानुसार मैं उसकी प्रोफाइल निश्चित रूप से जयपुर भेजूंगा। तो उसमें मेरा नाम नहीं भेजेंगे ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ? आपका नाम था तो था, तो फिर समाचार पत्रों के माध्यम से लोग गुमराह हुए, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन कई नेता ऐसे थे जिन्होंने तीसरे दिन बड़ा बवाल मचाया कि के गुप्ता का नाम इसमें क्यों नहीं था, क्यों इसमें जिनेंद्र शास्त्री का नाम भेजा गया, क्यों इसमें प्रदीप शिमाली का नाम नहीं था, उसको लेकर जो बातें हुई वो बोला कि सब पारस जी के कहने पर किया जा रहा है। आपने शुरुआत में कहा कि दावेदारी, आपका टॉपिक भी यही है, दावेदारी, शो का नाम दावेदारी प्रस्तुत की क्या? जिनेंद्र जी ने दावेदारी प्रस्तुत की होती, के गुप्ता ने दावेदारी प्रस्तुत की होती, संगठन की एक मर्यादा है। आपने जिलाध्यक्ष जी को फोन किया होता है कि मेरी दावेदारी का नाम आप जयपुर भेजो और उसके पश्चात उनका नाम जयपुर नहीं भेजते तो बायस होकर जिलाध्यक्ष जी ऐसा काम करते नहीं, आपने दावेदारी प्रस्तुत ही नहीं की। और आप सोचो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि नाम भेज देंगे, तो यार ये तो नहीं होगा। आप अपनी दावेदारी कहो, आप अपने नाम को कहो कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरा नाम भेजो, तो भेज देते। आज की क्या स्थिति, जिनेंद्र जी शास्त्री हो, के गुप्ता जी हो, शिल्पा हो, और कोई भी, किसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, नाम नहीं ले रहे, मगर रविंद्र जी को टिकट मिला, मेरा नाम मतलब रविंद्र जी को मिला तो आपका साथ कितना रहेगा? मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी, उसके साथ तन मन और धन के साथ हम काम करेंगे, हमारा यही ध्येय। क्योंकि हम चुनाव अगर बीजेपी को जिताएंगे तो हम राजनीति क्षेत्र में काम कर सकेंगे, यहाँ पर हमारी पहचान बनेगी। हमको पहचान किसने दी, हमारी औकात क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है? संगठन के बिगैर हम कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति संगठन से बड़ा समझता है वो थोड़े दिन तो चल जाएगा लेकिन उसकी लंबी रेस का घोड़ा कभी जीवन में बन नहीं सकता है, मेरा ऐसा सोचना है। मैं उदाहरण देकर आपको बता सकता हूं, हमारी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, लाखों लाखों लोग उनकी सभाओं में आते थे, लाखों लाखों लोग उनकी सभाओं में भाषण सुनने के लिए आते थे। आज उनको जब संगठन ने दरकिनार किया, अब व्यक्ति कहाँ है? गुलाब जी कमी खलेगी, बिल्कुल 100% गुलाब जी की कमी खलेगी। कांग्रेस तो यही देख रही है कि मौका मिल रहा है, फायदा उठा लेते हैं। तो ये जीवन में जब तक राजनीति में काम करेंगे उदयपुर की जनता को, कभी खलेगी। लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, कोई अगर मार्गदर्शन मांगेंगे टेलीफोन के माध्यम से निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन देंगे। टेलीफोन उनका बंद थोड़ी है क्या, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, मतलब बातचीत होती रही है 100% आगे भी होगी। श्योर, अच्छा, मतलब संवैधानिक पद पर हैं मगर व्यक्तिगत संबंधों पर तो राय लेना तो अपराध नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर आप बातचीत तो ले सकते हैं। ठीक बात है, कोविड का मुझे लगता है एक दौर, मुझे लगता है यहाँ बैठे तमाम लोगों को याद होगा, आपका योगदान कतई नहीं भूला जा सकता। मुझे याद है कोविड में आप भी आते थे और मैं भी आता था, उसी शमशान के बाहर सैकड़ों शव रोज जलते थे। निगम का बीजेपी का कोई हो ना हो लेकिन पारस सिंह के नाम की शख्सियत वहां मौजूद रहती थी, इस बात का साक्षात गवाह मैं हूं।
किस तरह का काम था और उस वक्त को याद अगर आप करते हैं एक मिनट में कैसे बताएंगे? अब सतीश जी, विषय ऐसा है कि ये बहुत इमोशनल विषय है। मैं नगर निगम के एक जिम्मेदार पद पे हूँ। मेरा नैतिक दायित्व तो बनता था कि कोविड के अंदर जिनकी डेथ हो गई उनकी डेड बॉडी को जलाने का मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी हूँ और वर्तमान में उपमहापौर भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती थी। कलेक्टर साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि भारत जी, आपके नगर निगम के कुछ कर्मचारी या नगर निगम के कुछ लोग ऐसे हैं जो शमशान के अंदर डेड बॉडी जलाने के लिए उनसे पैसे की वसूली कर रहे हैं। शुरुआत में दो दिन की बात है, मैंने ताराचंद जी मीणा को कहा भाई साहब, कल के बाद ये शिकायत नहीं आएगी। मैंने टीम बनाई और टीम बनाने के पश्चात हमने प्रत्येक शमशान के अंदर वो टीम लगाई, जिसकी मैं विजिट रेगुलर वे में रोज करता था। ये मेरा नैतिक दायित्व था। और राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर जो काम नगर निगम ने किया उसकी बुरी बुरी प्रशंसा पूरे राजस्थान में हुई, और उसी वजह से राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन 15 अगस्त पर मुझे सम्मानित किया। वो मैं नहीं था सम्मानित, मेरा नगर निगम का बोर्ड था, मेरे नगर निगम के कर्मचारी थे, मैं थमता। 137 डेड बॉडी मैंने मेरे हाथों से जलाई। ऐसा नहीं किया, मेरा नैतिक दायित्व था। मैं नहीं जलूंगा तो कौन जलाता, कौन जलाता मुझे बताओ। भाई भाई के हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, बाप बेटे के हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हम भी पीछे हट जाते तो कौन काम करता। तो ये मेरा नैतिक दायित्व था, मैंने काम करने का प्रयास किया और उसका परिणाम आपके सबके सामने। मुझे लगता है GTPL के जरिए और हमारे तमाम सोशल मीडिया के जरिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, शहर की जो हालत है, कहीं खड्डे हैं, कहीं रोड नेटवर्क को लेकर जाम की दिक्कत बहुत बड़ी है, कब तक सोल्व कर रहे हैं? चुनाव से पहले कुछ बात कर रहे हैं, जनता आपको लाइव देख रही, कुछ भी बताएं आप। देखो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, खड्डे तो कितने भी बढ़िया रोड बनाओगे तब भी पड़ेंगे। आप बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जयपुर चले जाओ, जाम के बारे में मेरा ऐसा निश्चित रूप से कहना है कि आज फिर आ गया मैं उस स्थिति पर। आज दो फ्लाईओवर बने, किसने बनाए, किसके प्रपोजल से बनाए? आज वर्तमान में एलिवेटेड का प्रपोजल है, हमने मना ही नहीं किया। एलिवेटेड रोड एक बड़ा मुद्दा है, उदयपुर से हुआ, कभी नटराज के बाहर चला गया, कभी रेलवे स्टेशन के बाहर चला गया। मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। जब पहले एलिवेटेड का प्रस्ताव आया तब भी व्यापारियों का विरोध नहीं था। व्यापारियों ने कहा इस एलिवेटेड को रेलवे स्टेशन के यहां से बनाओ। हमने उन अधिकारियों से भी निवेदन किया कि एक तरफ तो कच्ची बस्ती है और एक तरफ रेलवे स्टेशन है, वहां से अगर मान लो एलिवेटेड चढ़ता है तो आगे जहां पर शॉप दुकानें चालू हो जाती है वहां के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां थंबा हो जाएगा। और ठेक उदयपुर से लगाकर साची सकल से, मतलब कोट चौराहे से लगाकर कलेक्ट्री पर उतर जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अभी भी वर्तमान में एलिवेटेड का विरोध नहीं है, लेकिन एलिवेटेड ऐसा बनना चाहिए जो कल लोगों की जान नहीं ले। एलिवेटेड ऐसा बनना चाहिए 200 करोड़ की बजाय 300 करोड़ लगे, 300 करोड़ की बजाय 400 करोड़ लगे, 100 करोड़ ज्यादा लगे। किसी भूमि को अवाप्त करनी पड़े तो अवाप्त करें, लेकिन 90 डिग्री के कर्व नहीं आए जिससे एक्सीडेंट नहीं हो। नादवराज की तर्ज पर एलिवेटेड रोड नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए इस तरह का रोड जो हमारी उदयपुर की खूबसूरती को खराब नहीं करे। बनना चाहिए ऐसा एलिवेटेड रोड जो एक्सीडेंट नहीं हो। बनना चाहिए ऐसी एलिवेटेड रोड जो ऊपर की चौड़ाई उसकी पूरी हो। ये चीजें करो ना, कौन विकास के मामले में मना करेगा? उदयपुर के व्यापारी विरोध करते हैं, लोग कहते हैं पारस जी कहते हैं, व्यापारी विरोध कर देते हैं। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं ना, अगर गलत तरीके का नक्शा प्रस्तुत करके अगर एलिवेटेड रोड बनाओगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। मैं नहीं करूंगा, मेरा भाई करेगा। व्यापारी उदयपुर से आप एलिवेटेड बना रहे थे, नीलम लॉज के आगे तक 25-25 फीट के दोनों तरफ रोड बन रहे थे, जहां उदयपुर का ट्रैफिक कहां जाएगा? चांदपोल के आदमी को, बड़ा बाजार, घंटा करार, भरबूजा घाटी, जगदीश चौक के आदमी को अगर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आना, वो कहां से आता? वो नीचे से उस 28 फीट के रोड से आता। स्कूल बस कहां से जाती, सिटी बस कहां से जाती? तो फिर क्या होता, जाम की समस्या का समाधान हो जाता क्या? प्रताप नगर में बहुत अच्छी तरह से हमने फ्लाईओवर बनाया, जाम का समस्या का समाधान हो गया क्या? सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। लगते 50 करोड़ रुपए और, चिंता नहीं है पैसे की। ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात बहुत लोगों को गलत लग सकती है, लेकिन आज 3-3 घंटे जाम लगता है। ऐसा एलिवेटेड नहीं बन जाए कि रुपए 250 करोड़ लगे और जनता को राहत नहीं मिले। एलिवेटेड या फ्लाईओवर ऐसा बने जिससे कि जनता को राहत मिले। सतीश जी, कुल मिला के ये बात हो गई, आप कितने भी रिसर्च करके कोई भी सवाल लाएं, पारस जी जैसे अच्छे नेता गली गुच्छों से होके
अपना सवाल का जवाब दे ही देंगे, और यही उस खूबसूरती और यही कला होती है। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत चाहूँगा कि इस शानदार जवाब और आपकी इस काबिले तारीफ बातचीत के लिए मैं हमारी टीम द उदयपुर अपडेट्स, मैं सुनील जी आपका बहुत बहुत हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा और अभी भी वर्तमान में अंत में धन्यवाद के लिए यही निवेदन करता हुआ धन्यवाद देता हूँ शनील जी, सुनील जी आपसे एक बात और अंत में, मैं दावेदार नहीं हूँ, संगठन दायित्व देगा तो उसका निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।